हरदा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 खेड़ीपुरा में रहने वाले वार्ड वासियों को इन दिनों विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वार्ड में नाली की सफाई नहीं होने से गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। नगर पालिका की अनदेखी से यह स्थिति निर्मित हुई है। वार्ड में पानी की समस्या कई दिनों से है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार शिकायत की है, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वार्ड 2 के रहवासी अरहम खान ने बताया कि कई सालों से लोग पेयजल को लेकर परेशान हैं। उन्होंने कहा, 4 दिन में नलों में पानी आता है, वह भी 10 से 15 मिनट आता है, इसके बाद गंदा पानी मिलता है। संबंधित अधिकारियों को भी पेयजल संबंधी समस्या से 4 माह पूर्व अवगत कराया, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालत यह है कि यहाँ रहने वाले सैकड़ों परिवारों को यहाँ वहाँ से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। कहाँ निवास करते हैं आप? वार्ड नंबर 2। क्या समस्या आपकी? पानी की समस्या है। क्या होता है पानी में? पानी में हमें कई सालों से परेशानियां उठा रहा है। ठंडों के दिनों में तो करीब मतलब 10-15 मिनट नल चल जाते हैं, पर गर्मी में हम इतनी आफत होती है, 4-4 दिन नल ही नहीं आते। 10-5 मिनट नल चलते हैं, उसके बाद आश्वासन दिया जाता है कि आप 2 रोज में सुधार हो जाएगा, 4 रोज में हो जाएगा। हमारी यहाँ पर गली के साइड में एक गली है, वहाँ पर पाइपलाइन डल रही है। वहाँ पर हम कल गए, वहाँ पता किया कि पाइपलाइन कब तक डल जाएगी, तो वो ये कहने लगे कि इस पाइपलाइन से आपका कोई सुधार नहीं, आपको आपकी जो लाइन है आपको उस हिसाब से पानी मिलेगा। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सभी लोग यहाँ से वहाँ तक और पिरा पिरा आगे भी लोग परेशान। अभी पानी कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? अभी पानी हम बोरिंग जिसके घर रहती है उससे ले लेते हैं, फिर ज़्यादा परेशान होते हैं तो टैंकर की रिक्वेस्ट करते हैं, और बाकी एक दूसरे में काम चला रहा है। नल कभी कभी कबाद आ जाते हैं, मतलब ये मान के चलो 2 जगह। आपका? मेरा नाम अरहम खान है। कहाँ निवास करते हैं आप? वार्ड नंबर 2 में खेड़ीपुरा। क्या समस्या आपकी? पानी को लेके समस्या है सर, नाली को लेके समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन अभी जो समस्या है वो मेन पानी की है। क्या होता है 3-4 दिन में नल आना, और नल आएंगे 5-10 मिनट के लिए, इससे ज्यादा आते नहीं। और ज्यादातर ये होता है कि पानी गंदा आता है, बहुत मेला पानी आता, पानी भी साफ नहीं आता। अब पार्षद को फोन करो तो कहीं पाइप फूटा हुआ है, या पानी की मोटर खराब है, या बिजली नहीं है, मतलब कोई तसल्ली पूर्वक जवाब नहीं देते हैं। दूसरी बात ये है कि उनसे बोले हम टंकी बनवा दो आप, तो अब उनको जगह नहीं मिल रही, वो कह रहे हैं टंकी कहाँ बनवाए, जगह नहीं है, जबकि नगर पालिका की जगह दरगाह के पास पड़ी हुई है। उनको आगे रखे ये काम करवाना चाहिए। खैर उनसे बात हुई है मेरी आज, तो वो कह रहे हैं आप जो है हमको वो जगह का, किसी कोई बोल रहा है कि वो हमारी पर्सनल जगह, कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, लेकिन हम गलत जाएंगे वो नगर पालिका में, उसकी शिकायत करेंगे, जैसा भी होगा वो होगा। लेकिन मेन जो नल है उसको थोड़ा सा आप, हमारी जो है समस्या नल की है, तो नल का थोड़ा सा आप लोग करवाइए। नंबर 2 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, और मैं यहीं निवास करती हूँ, लेकिन बाढ़ में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ही ज़्यादा नाली की, पानी की और सफाई की। सफाई करने आते नहीं आप, कभी जब भी सफाई करने आते हैं कचरा यहीं छोड़ के चले जाते हैं, नालियां भरी हुई हैं पीछे। सफाई की इतनी ज़्यादा मतलब दिक्कत है कि समझ में आता, जानवर इस कदर घूमते हैं कि आंगनबाड़ी में जो बच्चे आते हैं उनके हाथों में जो डब्बे रहते हैं या उनके पास जो चीज़ रहती है तो वो छीन लेते हैं। जानवरों की भी सबसे ज़्यादा समस्या है, लेकिन अभी फिलहाल में पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। हम चाहते हैं कि एक टंकी बन जाए, जो हमारे मोहल्ले में एक जगह पड़ी है दरगाह के पास, वो जगह लोग पर्सनल बताते हैं कि किसी पर्सनल है, लेकिन वो पर्सनल नहीं है। हम चाहते हैं कि वहाँ पर पानी की टंकी बने और हमारे पूरे बाढ़ का पानी का निराकरण हो जाए। आपने बताया टंकी निर्माण शुरू भी हो गया था, एक बार टंकी निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको रुकवा दिया था। लेकिन अगर हम चाहे नगर पालिका तो ये कर सकते हैं, उसको पुलिस वगैरह खड़ा करके और वो निर्माण चालू कर सकते हैं, कोई पर्सनल जगह नहीं है। मेरा नाम रीना महेंद्र प्रजापति है, मैं वार्ड नंबर 2 की पार्षद हूँ, और वार्ड वासियों को पानी की समस्या जा रही है जी, उन्होंने शिकायत की है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हमने 2 महीने पहले इस पे यानी अपने जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे इस विषय पर बात कर चुके हैं और लिख के भी दे चुके हैं हमने उन्हें, और उन्हें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द ये पानी की जो भी समस्या है आपकी, गंदा पानी आ रहा है, उसको सभी को हम जल्द से जल्द करा देंगे। अच्छा, बाढ़वासी लोगों का कहना है कि काफ़ी दिन से गंदा पानी मतलब उनको मिल रहा था, उसके बाद में अभी पानी नहीं मिल रहा है, वो परेशान हो रहे हैं, और क्या कहेंगे आप? जी, हमने इस विषय पर बात करी है, क्योंकि अभी जो चल रहा है जैसे कि पानी वानी जो कि पाइपें सभी खराब हो रहे हैं,
थोड़े बहुत तो वो सुधर रहे हैं। आज के दिन तो जैसे पानी का पाइपलाइन फूट चुका है इसलिए पानी नहीं आया है, और गंदा है तो वो जल्द से जल्द उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। आपने बताया कि नल लाइन का भी काम चालू है, अभी नई नई लाइन बिछने वाली है। जी जी। वो पानी लगभग कब तक मिल जाएगा? पर वो पानी एक महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, जनवरी तक हो जाएगा चालू। वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई थी तो उन्होंने ये बोला। आपके वार्ड में नाली की सफाई वगैरह नहीं हो रही है, सड़कें नहीं है, तो इस पे आप क्या प्रयास कर रहे हैं? जी उस पे भी चल रहा है, उसमें भी बोला है कि यानी उसका टेंडर तो पास हो गया है अपने गौर कॉलोनी का, सफाई कर्मचारी वो तो कर रहे हैं सर, बोलते हैं तो कर देते हैं। नहीं नहीं अभी मीडिया द्वारा मतलब भीड़ किया गया वहाँ पे, काफी नालियों में गंदगी देखी गई है और रहवासियों ने भी बताया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।